माय करियर पाठशाला ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ नीट काउंसलिंग हर एमएस आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेट एंड स्टेट का जो डोमिसाइल रूल है और उसकी जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वो कैसे बनाई जाती है, कहाँ से बनाई जाती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी और क्या डोमिसाइल एक बारी बन जाने के बाद फिर से वो रीजनरेट करना पड़ेगा या फिर से उसको इशू कराना पड़ेगा कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी के डोमिसाइल रूल के लिए समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। माय करियर पाठशाला की लेगेसी रही है कि आपके लिए नीट काउंसलिंग में जितने भी आपको मदद चाहिए और जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको क्रूशियल मोमेंट में चाहिए, क्रूशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हर हमेशा माय करियर पाठशाला ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ नीट काउंसलिंग हर हमेशा आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेट एंड स्टेट का जो डोमिसाइल रूल है और उसकी जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वो कैसे बनाई जाती है, कहाँ से बनाई जाती है और क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी डोमिसाइल के लिए सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो है कि आप यूपी के मीन्स एंसेस्टर्स आपके वहाँ पे होने चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके अकेडमिक्स होनी चाहिए, देन यू नीड नॉट एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आपने पूरी अकेडमिक्स यूपी के स्कूल से या वहाँ के आईएससी की है वहां के इंटर कॉलेज से, देन आपका डोमिसाइल की जरूरत वहां सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड थिंग जिसमें कि आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है और क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोकल जो आपका तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से, कहीं से अगर जो आपने इशू करवाया है तो वो चल सकता है, ऐसा नहीं है। नीट के केस में नीट के लिए जो डोमिसाइल का एक प्रारूप है यानी उसके एक वर्जन है, एक फॉर्मेट है जो कि आपको उत्तर प्रदेश नीट की जो काउंसलिंग की जो साइट है उसमें उसका फॉर्मेट प्रॉपरली दिया पड़ा है या फिर डीजीएमए यूपी की साइट में भी उसके फॉर्मेट दी पड़ी है। तो अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हैं, बट आपकी एकेडमिक्स आउट ऑफ यूपी है, देन आपका जो डोमिसाइल बनेगा वो एक गिवन फॉर्मेट में बनेगा जिसका कि हिंदी में वो ट्रांसलेशन है उसका प्रारूप वन, प्रारूप टू। तो प्रारूप वन टू में ही आपके डोमिसाइल का वो पूरा सर्टिफिकेट वो इशू किया जाता है। और अगर आप किसी और फॉर्मेट में ला रहे हैं या फिर आपको तहसीलदार बोलता है कि भाई हम तो इसी तरह से बना कर देते हैं, तो फिर आपको काउंसलिंग के टाइम पर रिटर्न कर दिया जाता है और फिर से आपको वही उसी प्रारूप में उसी फॉर्मेट में बनाने के लिए कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीइंग द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ यूपी स्टेट, इफ योर एजुकेशन और एकेडमिक्स आर फ्रॉम आउटसाइड यूपी, देन यू नीड अ डोमिसाइल इन द गिवन फॉर्मेट ओनली, प्रारूप एक, प्रारूप दो, प्रारूप वन, प्रारूप टू। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि इन केस आपके पेरेंट्स यूपी के रहने वाले हैं लेकिन उनका ट्रांसफरेबल जॉब है और उनकी प्रॉपर्टी पहले से है वहां पर, वहां का आधार कार्ड भी बना हुआ है या आधार कार्ड बाहर किसी भी स्टेट का है लेकिन प्रॉपर्टी वहां पर है, जिसके बदौलत आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी टैक्स जा रही है, आपका पानी का बिल जा रहा, बिजली का बिल जा, राशन कार्ड है आपका अवेलेबल, तो वैसे केस में आपको डोमिसाइल वहां का मिल जाता है। नेक्स्ट जो आएगा कि अगर कोई भी मिलिट्री फोर्स में है या फिर यूपी के निवासी हैं लेकिन उनका ट्रांसफरेबल जॉब किसी और स्टेट में सेंट्रल के अंडर रहा है या फिर स्टेट से रिलेटेड कोई ऐसी जगह पे जहां पर कि उनका जॉब जो है सो वो ट्रांसफर होता रहा है, तो फिर उस केस में भी डोमिसाइल के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आपकी एकेडमिक्स यूपी स्टेट के स्कूल से, कॉलेज से नहीं हुई तो भी। फिर जो पॉइंट आता है, जो रूल आता है वो है कि यूपी स्टेट में जॉब कर रहे हैं लेकिन वहां के आप रहने वाले नहीं हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं सो वो किसी और स्टेट के हैं लेकिन वहां पर वो सेंट्रल जॉब में हैं या फिर स्टेट के कुछ किसी भी स्पॉन्सर्ड जॉब में हैं, तो फिर उनका भी डोमिसाइल यहाँ पे वैलिडेट होता है प्रोवाइडेड कि आपके पेरेंट्स वहां पर वन ईयर मिनिमम जॉब कर चुके हैं
और दूसरा केस इसमें पार्ट टू भी आता है जिसमें कि आपके मदर या फादर वहां पर जॉब कर रहे थे और उसी टाइम पे आपका भी 11th 12th वहां से हो रहा था, या फिर आपका 11th 12th नहीं भी होता है तो भी आपके पेरेंट्स के जॉब 1 ईयर कंप्लीशन के बाद आपका इधर का डोमिसाइल आपको मिल जाता है। सो प्रोवाइडेड कि आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट डेप्यूटेड किसी भी कंपनी में वहां पे काम कर रहे हो। अब बात आती है कि कोई बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट जॉब में है, तो उनके केस में क्या है, प्राइवेट जॉब वाले और बिजनेसमैन उनकी अपनी अगर वहां प्रॉपर्टी है और बच्चा भी वहां पर अगर एजुकेशन ले चुका है यूपी के स्कूल से तो उनका भी इधर डोमिसाइल बन जाता है। इन केस आपका बिजनेस है या प्राइवेट आपका कुछ भी अपना आप चला रहे हैं यूपी के अंदर, लेकिन आपका जो बच्चे का एजुकेशन है वो किसी और स्टेट से हो रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना यूपी में बिजनेस कर रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ के एजुकेशन ले रहे हैं, तो वैसे केस में भी आपको डोमिसाइल यहाँ का मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि आपको यहाँ पर अपना एक आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। आधार कार्ड आपको यूपी का यहाँ एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा सो दैट यू कैन अवेल द डोमिसाइल ऑफ यूपी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे कॉमन बच्चे हैं जो कि दिल्ली और यूपी से रिलेटेड उनका जो है डोमिसाइल बन जाता है, तो ऐसे बच्चे जो कि एजुकेशन दिल्ली से कर रहे हैं लेकिन वो परमानेंट रेसिडेंट जो है वो यूपी के हैं, अब उनको दोनों जगह की डोमिसाइल चाहिए होती है। तो देखिए दिल्ली के अंदर जो आपका डोमिसाइल का रूल है वो है कि अगर आपने 11th 12th सिर्फ दिल्ली के स्कूल से किया, दिल्ली एनसीआर के स्कूल से मेनली, तो फिर आपको दिल्ली में डोमिसाइल यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो गई, लेकिन यूपी के आपका यूपी का आपका कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ आपको इशू आता है कि भाई आप एकेडमिक्स बाहर से कैच कर चुके हैं और यहाँ पे आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होते हुए भी आपने एकेडमिक्स यहाँ पे नहीं ली है तो फिर आपको डोमिसाइल हम कैसे दे दें। वैसे केस में हर हाल में देखिए आपको जो आपका आधार कार्ड है स्टूडेंट का वो आपका वहां पर खोजेगा कि आप यूपी में किस जगह से बिलोंग करते हैं और यूपी में आपका एड्रेस कहाँ पर है, वो आधार कार्ड से ही आपको शो करना पड़ेगा और आधार कार्ड में एड्रेस चेंज होना मस्ट है। इसलिए आप इस चीज को बहुत ही मीन्स कॉशियसली देखिएगा कि भाई दिल्ली के कॉलेजेस में आपका एडमिशन होने लायक अगर मार्क्स है तभी आप दिल्ली के डोमिसाइल पे डिपेंडेंट होइए, अगर नहीं है देन यू शुड बी गोइंग फॉर योर होम स्टेट, यूपी स्टेट के लिए ही आप फाइट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सीटें ज्यादा हैं, कट ऑफ में थोड़ी बहुत सारा अंतर भी आता है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है कि आप दिल्ली के भरोसे ना रहे अगर आपके मार्क्स उस लायक यहाँ के कॉलेज लायक नहीं आता है। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट काउंसलिंग। नीट काउंसलिंग 2023 रजिस्ट्रेशन आर ओपन और आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं, और जितने भी आपको असिस्टेंस चाहिए रिगार्डिंग योर एडमिशन अपडेट्स ऑन काउंसलिंग एंड फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपके कॉलेज में एडमिशन लेने तक, ट्वाइस के कॉलेज में एडमिशन लेने तक आपको हम असिस्टेंस देते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।